दिवाली आने वाली है। गट्टू और चिंकी दिवाली की शॉपिंग करने के लिए दादी के साथ जाते हैं। दुकान पर वो बहुत सारे पटाखे खरीदते हैं। गट्टू तेज आवाज वाले बम खरीद रहा होता है कि दादी उसको समझाती है, गट्टू इसकी बजाय फुलझड़ियां खरीद लो, उसकी रोशनी भी बहुत अच्छी होती है और आवाज भी नहीं करती, जिससे साउंड पॉल्यूशन कम होगा और आसपास के जानवर भी नहीं डरेंगे। थोड़ा जल्दी करो, उसके बाद हमें रंगोली के कलर्स और लाइट्स भी खरीदनी है, और हाँ थोड़े फ्लावर्स और फ्रूट भी खरीदने हैं। मेरी फेवरेट स्वीट्स भी दादी। ओके ओके बेटा। दादी मुझे पानी पूरी खिलाओगी ना? हाँ हाँ वो भी खिला दूंगी, पहले यहाँ की शॉपिंग तो खत्म करो। सब पटाखे और रंगों को खरीदने के बाद स्वीट की दुकान पर आ जाते हैं, जहाँ गट्टू पानी पूरी खाता है, चिंकी भी भेल पूरी खाती है। जल्दी करो गट्टू, हमें रंगोली के लिए रंग भी तो खरीदने हैं, मैं रंगोली लगाऊंगी। हाँ बाबा लगा लेना, पहले अच्छे से खा लो तुम दोनों, फिर वहाँ भी चलेंगे। उसके बाद सब रंगों की दुकान पर पहुँचते हैं। थोड़ी देर में इतने शॉपिंग करके सब घर आ जाते हैं। गट्टू घर आते ही पटाखे बाहर फोड़ने निकल जाता है। अरे गट्टू बेटा, आज ही पटाखे फोड़ दोगे तो दिवाली तक क्या बचेगा? दादी हम और पटाखे लेकर आएंगे। थोड़ी देर में पटाखे फोड़ने की वजह से वहाँ कचरा हो जाता है, जिसको देखकर दादी गुस्सा करती है। अरे बच्चों अब इतने कागज बिखेर रहे हो ये गली में और बाहर में, तो कौन सफाई करेगा इनकी? कितना कचरा हो गया है। अगर घर के बाहर ही सफाई नहीं रही तो घर के अंदर की सफाई का क्या फायदा? इन सब के बाद ही रंगोली भी तो लगानी है, दरवाजे और खिड़की के बाहर लाइट्स भी। दादी टेंशन नॉट, इस बार हम घर के बाहर भी सफाई करेंगे, हम सब कर देंगे। चिंकी चलो अंदर से सफाई का सामान लेकर आते हैं, टीचर ने भी तो कहा है हमें बाहर कचरा नहीं फैलाना चाहिए। हाँ दादी मैं सब कचरा उठाकर डस्टबिन में डाल दूंगी। गट्टू और चिंकी सब सफाई का सामान इकट्ठा करते हैं। थोड़ी देर में गली के बच्चे मिलकर आसपास के एरिया की सफाई करने लगते हैं। अरे बंटी उस जगह से बोरी हटा दो, वहाँ पर फालतू का ढेर लगा हुआ है, और चिंकी तुम फालतू के सब पॉलिथीन हटा दो गार्डन से। ठीक है गट्टू। सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से सफाई कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ बड़े बच्चे पटाखे फोड़ने लगते हैं, जिसकी आवाज की डर से कुत्ते इधर उधर भागने लगते हैं। अरे कितना डर गए हैं ये बेचारे, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं हम? मैं सोच रहा हूँ जो बोरी हम यहाँ से हटा रहे हैं उससे इनके लिए एक छोटा सा शेल्टर बना दे, जिसमें उनको सर्दी भी नहीं लगेगी और ये अंदर चुपचाप बैठे रहेंगे। हाँ गट्टू हम 2-3 लकड़ी से इनका घर आराम से बना सकते हैं, ऊपर से जो सामान हम रद्दी में निकालने वाले थे उससे तो उनके रूम की गद्दी भी बन जाएगी। हाँ यही करते हैं। कुछ बच्चे साफ सफाई ही करते हैं और कुछ डॉग्स के लिए शेल्टर बनाने लगते हैं। उधर चिंकी अपने सहेलियों के साथ मिलकर रंगोली का प्लान बनाने लगती है। गली की साफ सफाई के बाद हम अपने घरों के बाहर रंगोली भी आज शाम को ही बना लेंगे, उसके लिए सबको अपने घर से कलर लाना होगा, समझे? ठीक है चिंकी, कितना मजा आएगा ना, मैं रंगोली के लिए डिजाइन निकाल लेती हूँ। लड़कियाँ रंगोली बनाई रही होती है कि तभी वहाँ से सोसाइटी के चेयरमैन गुजरते हैं। वो बच्चों को इतना मन लगाकर काम करते देख खुश हो जाते हैं और कहते हैं, आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी रंगोली सबसे अच्छी होगी उसको 501 रुपए इनाम मेरी तरफ से, इसलिए बच्चों बेस्ट रंगोली बनाना। हाँ सब बच्चे जोर जोर से तालियां बजाते हैं और लड़कियां ग्रुप में मिलकर प्लानिंग करने लगती हैं। सब अच्छे से डिजाइन सोचने लगती हैं। वही लड़के भी उनकी मदद करते हैं। मुझे कंपटीशन जीतना है गट्टू। चिंकी टेंशन मत लो, तुम ही जीतोगी, सब बढ़िया होगा। तुम दादी के मोबाइल से कुछ अच्छे डिजाइन निकालो, तब तक मैं पिंक और ग्रीन कलर तुमको लाकर देता हूँ। उधर कुछ लड़के डॉग शेल्टर बनाने में लगे रहते हैं। देखो कितना सही लग रहा है ना, इसमें सब स्ट्रीट डॉग बैठे रहेंगे। अंदर से चिंकी एक डिजाइन सोचकर आती है। उधर गट्टू भी 2 कलर लेकर आ जाता है। चिंकी चौकी पर रंगोली बनाना शुरू कर देती है। वो ये सब कर ही रहे होते हैं
कि तभी उनकी बाई अपने बेटे के साथ वहाँ आ जाती है। गट्टू बाबा, चिंकी बेबी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक कितना सुंदर डिजाइन बनाया है आपने, वाह वाह वाह। हम गली की सफाई कर रहे हैं आंटी, साथ ही चिंकी रंगोली बना रही है। दिवाली आने वाली है ना, हम चाहते हैं कि ये दिवाली बेस्ट दिवाली बने, क्योंकि घर के साथ साथ मोहल्ला भी चमकेगा। लेकिन आप तो सुबह आते हैं ना आंटी, अभी कैसे? हाँ हाँ, हम आपकी मम्मी से बख्शीश लेने आए हैं बाबा। दिवाली की मिठाई और पूजा का सामान भी तो लाना है ना। आपकी मम्मी ने कहा था कि कुछ पुराने कपड़े भी निकाल कर देंगी वो हमें। ये कहकर आंटी गट्टू के घर के अंदर चली जाती है। गट्टू उनके बेटे को देखता रहता है, जिसने पुराने कपड़े पहने हुए होते हैं। उसको और चिंकी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। मैं सोच रहा था कि हम लोग जो पैसे जीतेंगे और बाकी कुछ पैसे और इकट्ठे करके आंटी के लिए गिफ्ट और मिठाई ले लेते हैं, उनके बेटे के लिए भी पटाखे खरीदेंगे। तुम क्या बोलती हो? वाओ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है गट्टू। बाकी बच्चे भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। हम एक और काम करते हैं, थोड़े और पैसे इकट्ठे करके पास में झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ के बच्चों को भी मिठाई और पटाखे देकर आएंगे। हाँ सही कहा तुमने। उसके बाद सब प्लानिंग कर लेते हैं और अपनी अपनी पॉकेट मनी से पैसा इकट्ठा करके थोड़ी देर बाद फिर इकट्ठा होते हैं। हमारे पास कुल 1200 रुपए इकट्ठा हो गए हैं, इससे तो बहुत सारी मिठाई और पटाखे आ जाएंगे। हाँ, इससे हम आंटी को भी पैसे दे देंगे और पास ही चौल भी जाकर आएंगे। उधर चिंकी और बाकी बच्चे अपनी अपनी चौकी के आगे रंगोली बनाकर चेयरमैन अंकल को देखने के लिए बुलाते हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर रंगोली बनाई है सबने। मैंने सबकी रंगोली अच्छे से देख ली है और मेरा ऐसा मानना है कि सबसे बेस्ट रंगोली आज चिंकी ने ही लगाई है, इसलिए मेरी तरफ से 500 रुपए का इनाम चिंकी बिटिया के लिए। मेरे इनाम के 500 रुपए भी जोड़ लो, इसको भी हम गिफ्ट्स खरीदने के लिए काम में लेंगे। चिंकी के 500 रुपए मिलाने के बाद टोटल अब 1700 रुपए हो गए हैं। वाओ गट्टू, इतने में तो खूब सारे पटाखे आ जाएंगे। हाँ सही कहा। उसके बाद सब बाजार से गिफ्ट, स्वीट और पटाखे ले आते हैं। अगले दिन जब आंटी आती है तो सब बच्चे मिलकर उनको दिवाली गिफ्ट्स देते हैं। आंटी ये देखकर रोने लगती है। उनका बेटा भी पटाखे पाकर एकदम खुश हो जाता है। कितने बड़े हो गए हो तुम सब, इतना सोचने लगे हो। हाँ आप भी तो हमारा कितना ख्याल रखती है ना आंटी, हैप्पी दिवाली। उसके बाद सब बच्चे पास की चौल में जाकर सबको मिठाई बांटते हैं। सब बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं, वो सबको बार बार थैंक्स बोलते हैं। गट्टू और चिंकी के चेहरे पर एक संतोष दिखाई पड़ता है कि उनकी सेविंग से उन्होंने कितना अच्छा काम किया। इस बार की दिवाली बेस्ट दिवाली मनेगी, क्योंकि सब इंजॉय करेंगे। दादी ये सब देखकर भावुक हो जाती है। वो गट्टू और चिंकी को कहती है, कितने बड़े हो गए हैं मेरे बच्चे, कितना सोचने लगे हैं। लक्ष्मी माता तुम दोनों पर कृपा बरसाएगी। दिवाली का मतलब खाली खुद खुशी मनाना नहीं होता, बल्कि अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना भी होता है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, लक्ष्मी माता की पूजा करनी है और उसके बाद पटाखे भी तो छोड़ने हैं। गट्टू और चिंकी अपने नए कपड़े पहनकर दिवाली की पूजा करते हैं और मम्मी पापा के साथ मिलकर पूरे घर में दीपक जलाते हैं और दिवाली को एंजॉय करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।